सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया है बच्चों आपने। आज जो हम करने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6, क्लास 9, 6.1 मैथमेटिक्स। ठीक है, देखना क्लियरिटी आ रही है उसके अंदर। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, ध्यान समझिएगा। अब ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे मैं पास में आऊंगा ना तो होता है। ठीक है, देखो इन ए फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखो डायग्राम में दे रखा, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया, जिससे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कर पाए और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कर पाए। ठीक है, एक कह रहा है लाइन इंटरसेक्ट इन ए फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंगल ए ओ सी और बी ओ ई 70 दे रखा है ना। हमें गिवन क्या क्या, जो जो गिवन है सबसे पहले वो लिखो बेटा। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना पड़ता है। गिवन मतलब हिंदी में दिया है। अभी बच्चे से मैंने पूछा क्या क्या दिया है, तो उसने दिवाली वाला दिया दे दिया मुझे, ये लो भैया दिया है ना। तो देखो इंटरसेक्ट ऑटो एंगल क्या दे दिया हमें, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। हिंदी वाले बच्चे देखो कह रहा आकृति में दिखा दिया हुआ है, ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और ये सम प्रतिच्छेद करने का सम दे रखा है एंगल का। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और क्या गिवन है बच्चा, एंगल बी ओ डी कितना बच्चा 40 है। और फाइंड क्या करना है बच्चा, फाइंड फाइंड मतलब निकालना क्या है, फाइंड एंगल बी ओ ई निकालना है हमें और प्रत्यवर्ती सी ओ ई। प्रत्यवर्ती को हिंदी में इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ढंग से देखो जरा एक बार, ठीक है बुक खोल लो एक बार, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं बेटा। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है 6.1 का। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले राम राम बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर 6.1 एक्सरसाइज मैथमेटिक्स चैप्टर 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो अब देखिए जरा यहाँ पर हमने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखवा दिए। ठीक है, ये देखो, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए ओ सी और बी ओ ई 70 दे दिया हमें। ठीक है, बी ओ डी 40 दे रहे, बी ओ ई निकालना है। तो देखो अब हम लिखेंगे बच्चा, फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, देखो ध्यान समझिएगा, आप ध्यान से समझिए। देखो ए बी इजे क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये भी गिवन है ना। ए बी एक सरल रेखा है, अगर हिंदी में लिखें तो ए बी इज ए सॉरी ए बी एक सरल रेखा है। ठीक है, तो अरे यार इतनी तो चलो ठीक है। ठीक है, अब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी। अब ध्यान से देखो ये 180 होगा। देखो मैंने क्या करा, ध्यान समझना, यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, राम राम मंथु जी थोड़ा टाइम पे आया करिए प्लीज़। ठीक है, इन सब का सम कितना होता है 180, इन सब का सम कितना होता है 180, क्योंकि ये लीनियर एंगल है, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, लीनियर एंगल है। ठीक है, हाँ अब हम क्या पे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखो ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों का सम कितना बेटा, देखो 70 डिग्री दे रखा है, तो हमारे पास कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना आ गया, एंगल सी ओ ई 110। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताओ। ठीक है, बताइए कहां दिक्कत है। ये दोनों का सम गिवन है हमें 70 डिग्री। हाँ, क्वेश्चन में देखिए ऊपर ये क्वेश्चन लिख रखा है मैंने। ठीक है, और इनको मैंने उधर ले गया, बस माइनस कर दिया। ठीक है, अब उसने क्या बी ओ डी निकाल, अब उसने कहा कि एक एंगल हमारे पास आ चुका है 110 आ गया बेटा, इधर देखो। अब उसने कह रहा है कि बी ओ ई निकालो, चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बी ओ ई कह रहा है ना। तो देखो जरा अब हम क्या लेंगे, बी डी, अब हम लिखेंगे बी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। बी डी क्या है हमारी, स्ट्रेट लाइन है। बी डी एक सरल रेखा है। ठीक है, बी डी हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा है। तो एंगल सॉरी शक्तिमान बी सी,
डी सी है मैं यार बी भी लिख रहा हूँ बार बार, वो डी है, डी सी ये है, डी सी, सॉरी बच्चे वो ना एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ पे इसको बी बार ये बार बार माइंड में आ रहा था, ठीक है। डी सी जो स्ट्रेट लाइन है ना, अब देखो यहाँ पर एंगल बेटा सेम, सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी, इसका स्टो कितना बेटा 180। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या है तो बताएं, तो रंग जी समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो इधर, अब यहाँ देखो बी ओ डी कितना है हमारे पास 40 है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए बेटा, सी ओ ई कितना है, अभी निकाला हमने, और हमें बी ओ ई निकालना था, इसका स्टो 180, तो बी ओ ई 180 माइनस कितना हो जाएगा 40 और 110 150, तो कितना हो गया बी ओ ई, कितना आ गया बच्चा 300 150, क्या दिख रहा है वहां पर आपको, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, मगर पूछा रिफ्लेक्स ऑफ बी ओ, सॉरी लिख दिया मैंने, अच्छा यार यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल नहीं लिखा, ठीक है, बी ओ ई हमारा आ चुका है, सॉरी। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखिए जरा बेटा, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई निकालना था हमें, अभी आंसर नहीं आया हमारा यहाँ पर, सी ओ ई दे रखा है बस, हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो ये ठीक है यहाँ तक, ठीक है, हाँ यहाँ तक ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल के लिए क्या करेंगे बच्चा, रिफ्लेक्स एंगल के लिए हम 360 से माइनस कर देंगे, मैंने सोचा ना कि नीचे वाला ऊपर वाला रिफ्लेक्स एंगल है, तो 360 माइनस, हाँ कितना आएगा बच्चा 250, तो फाइनली आंसर 250 आ गया और ये 30 डिग्री आ गया, अब आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए हमेशा क्या करते हैं, 360 से माइनस करते हैं, मैंने आपको बेसिक समझाया था, इसको नोट कर लीजिए, चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है, हाँ। सभी को मेरा राम राम, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मोर वीडियो के लिए, राम राम।